हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओम वेट केयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो पशुओं में जो आइसोफ्लुरोफेराडोन साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं, जो अभी मेरे पास जो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है जो जाइडस कंपनी का आता है वो मेरे पास उपलब्ध है, तो इसको और साथ में एक जो वेट कोट इंजेक्शन और आता है उसमें भी आइसोफ्लुरोफेराडोन साल्ट ही आता है। तो इन इंजेक्शन को हमें पशु में कौन कौन सी बीमारी में हमें लगा सकते हैं, ये एक स्टेरॉयड आते हैं जो आइसोफ्लुरोफेराडोन साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं स्टेरॉयड वाले इंजेक्शन होते हैं, ये हमें पशुओं में कौन कौन से रोगों में लगा सकते हैं और साथ में इसकी जो क्या क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में बताऊंगा, और कौन कौन से पशुओं में इसकी कितनी कितनी डोज लगाना है उसके बारे में भी आज मैं, यानी मैं आज आपको जो आइसोफ्लुरोफेराडोन साल्ट के जितने भी जो इंजेक्शन आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है आइसोफ्लुरोफेराडोन साल्ट वाला आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जो कि एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड में अन्य कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं जैसे डेक्सोना हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, बीटावेट हो गया, इनके बारे में मैं जल्दी आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं। आज अपन बात करेंगे जो आइसोफ्लुरोफेराडोन साल्ट वाला जो इंजेक्शन आता है ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, इसके बारे में जो कि एक प्रेगनेंसी शेप इंजेक्शन है और इसका उपयोग अपन सहायक औषधि के रूप में कर सकते हैं, यानी जैसे पशु में मेस्टाइटिस हो गया, उनको आर्थराइटिस हो गया यानी जोड़ों में दर्द हो गया, कंजुआइटिस यानी उनके आंखों में सूजन हो गई, घाव में सूजन हो गई, चरम रोग हो गया यानी एलर्जिक हो गया, पशु में सूज गया है उस समय भी अपन उसमें लगा सकते हैं, या और साथ ही में किसी भी प्रकार का अगर पशु को दर्द हो रहा है यानी पशु को दर्द होगा तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर सूजन भी होगी, उस समय भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। डिस्टोकिया आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जेड नेगेंडी की स्थिति में भी अपन इस जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड वाला इंजेक्शन आइसोफ्लुइड को अपन लगा सकते हैं, और जो डाउन काउंट सिंड्रोम डिजीज होती है उसमें इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और दूसरा जो कार्पल हाइग्रोमा होता है यानी पशु के पैरों के जोड़ों में क्या होता है जो नी जॉइंट होता है उनमें पानी भर जाता है, तो उनमें भी अपन इंट्रा आर्टिकुलर इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो उसके काफ़ी अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा जो बोविन किटोसिस होता है यानी किटोसिस डिजीज में भी अपन इसको लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा एक जैसे पशु के मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस यानी पशु की जो स्ट्रेस यानी उसका तापमान मैनेज करने के लिए भी अपन इस स्टेरॉइड को काम में ले सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों के सामने यही समस्या रहती है कि इसकी डोज कितनी होती है, तो इसकी डोज यही है कि 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर बड़े पशु में लगा सकते हैं, और जो छोटे पशु है उसमें 0.5 ml से 3 ml तक इंट्रामस्कुलर अपन इसको लगा सकते हैं। यानी ज़्यादातर फील्ड में ये समस्या भी देखने को मिलती है कि ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड वाले साल्ट वाले जो इंजेक्शन लगाते हैं इनसे दूध कम होता है पशु का, लेकिन ऐसी समस्या इस साल्ट से नहीं होने वाली है, यानी इस इंजेक्शन को लगाने से दूध कम नहीं होगा। बाकी अपन जो जिस कारण से ये इंजेक्शन लगा रहे हैं यानी कौन सी बीमारी हुई है पशु में, यानी पशु बीमार होने के कारण वो खाना पीना कम कर देता है, उससे उसके जो प्रोडक्शन जमता है वो भी घट जाती है, तो इसलिए बीमार पशु है वो दूध कम देगा। तो लोगों के दिमाग में यही रहता है कि इस इंजेक्शन से क्या होता है दूध है वो कम हो जाता है, लेकिन ऐसी समस्या इस इंजेक्शन से बाकी से जो अन्य कोर्टिकोस्टेरॉइड है डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, बीटावेट, इनके बारे में जल्दी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।